था मेरे स्कूल से। क्या करते हो आप? मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ जी। कैसे सूचना मिली डेड बॉडी की आपको? मैं सर रूम पे था आपने, तो वहाँ पे दो लड़के गए हुए थे बाइक से, उनने मेरे को बताया कि फ्लाईओवर के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैं इधर से आके गाड़ी इधर साइड में लगाया तो उतर के देखा तो पहले ही से डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उसके बाद एक गाड़ी आई, उसने और दोबारा से उसके ऊपर से चढ़ा दिया। अच्छा। और जितना देखा फिर मैंने गाड़ी लगा के इधर। अच्छा। सब लोग आ गए थे। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है डेड बॉडी देखने पे? क्या किसी ने मार के फेंका होगा या एक्सीडेंट कर दिया? अब ये तो सर नहीं कह सकता, उस वक्त पहले से पड़ी हुई थी तो ये तो नहीं बता सकते कि उस समय हालत कैसी थी इसकी। उस समय मतलब जैसे एक्सीडेंट तो हुआ था, खून उन ब्लड व्लड डला हुआ था, हाथ भी ऐसे ही था मतलब, लेकिन चेहरा था उसके तो हाँ। जब दूसरी वाली गाड़ी आई उसने थोड़ा दोबारा से चढ़ा। ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि किसी ने डेड बॉडी भागो फेंक के चले गए हो? कोई हो सकता है ऐसा, लेकिन ये तो कंफर्म नहीं बोल सकता क्योंकि तो पहले से जब मैं आया था तो पहले से डेड बॉडी। किसकी बॉडी है ये? महिला है? लेडीज है। लेडीज है। कितनी लगभग उम्र होगी देखने में लग रहा है? कोई कुछ 30 से ऊपर होगी। अजय चौधरी। अजय जी, एक यहाँ पे भी स्टैंड पेरिफेरल पे एक महिला का शव है, क्या है देखा जाए? कैसे बोर्ड लग रही है, कौन है, क्या है ये? तो मालूम हुआ है, सूचना मिली थी, आगे पेट्रोलिंग के लिए गए थे। अच्छा। मालूम हुआ कि कुछ डेड बॉडी। अच्छा, किसकी डेड बॉडी है? और लेडीज है। अच्छा, कैसा लग रहा है देखने पे उसको? देखने पर तो ऐसे लगा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ है सर। अच्छा, कितनी लगभग उम्र होगी इसकी महिला की? तो अभी चेहरा देखने से पता पड़ती है कितनी अभी उम्र। आपको कैसे पता चला कि कितने बजे पता चला कि डेड बॉडी? जैसे पेट्रोलिंग करते हुए गए तो 70 की तरफ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ फोन गया कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है।